मनी बंधन का कारण है। मन जो माया में फंसा पड़ा तो बोलता है मैं बंधन हूं, मन ईश्वर में आ गया बोलता है मैं मुक्त हूं। वही मन से कल बंधन में था, आज काली ख्याल फेरा है तो मैं मुक्त हूं। अज्ञानी जीव जी हालत कदे कैरी कदे कैरी करे जे पान ते कृपा दिए जो ही बदले। अपने ऊपर कृपा करो, निश्चय करो। दादा ने एक जगह कहा मेरे ऊपर मैन करो और अपनी आत्मा में जानो, मेरे ऊपर मेहरबानी करो अपने आत्मा को जानो। ये तुम आत्मा निश्चय करो, ये मेरे ऊपर मेहर करो, ऐसा बोले। किसी को ऐसा हाथ लगाने की कारण नहीं थी उसको जब हम बोलते हैं रोको बहुत खुश, क्योंकि आदत पड़ गई है बच्चे को, तुमको आदत पड़ गई है लगाना करो, तो अभी हम तुमको बोलेगा इसका रोको बहुत खुश। ऐसी तरह से जीते जी मरना बहुत मुश्किल है, दादी आगे बढ़ गई है ना बहुत, और मुश्किल कुछ नहीं है। लेकिन पुरानी आदतें, माया का मजा, आसक्ति, मेरा ये मेरा है, मेरे वाला कभी दुखी ना हो, मेरी भी कोई शिकायत ना होनी चाहिए, मेरे वाला हमेशा सुखी रहे, सारी दुनिया में ही भले हो लेकिन मेरा कोई उसके अंत में जरा सा चिंता दिखा, लेकिन दूसरा अरे पूरा जल जाए लेकिन मेरे को कुछ नहीं, जल जाए तो जल मर जाए तो मर जाए लेकिन मेरे वाले को सब ये जो मेरा मन में पड़ा है वही मुश्किल है, इसीलिए अपने को गंवाना पड़ता है। परमात्मा को पाने के लिए अपने को मिटाना, खुदी को गंवाना, हर दौर जैसा आनंद चाहिए तो तुम इनके साथ जाओ, देखो कितना आनंद है, शांति एकाग्रता सत्संग सब कुछ मिलेगा उनको, पर क्या चाहिए। और हम देखेगा तो कितना नुकसान पड़ता है तुम्हारा, पीछे तुम्हारे नरों ने से कितना नुकसान पड़ता है, हम बढ़ा के देगा बस पक में रखी है। धोबी अगर आएगा कपड़ा लेके उन बेचारों को पता नहीं है घर वालों को, तो धोबी की कापी हमारे कबट में रखी, और ये फलाना पैसा इधर में रख के आयो और बाकी वाली को कल पैसा नहीं दिया वो देने का, दो चार पूर्ण बताया दादा ने बोला ये है जन्म मरण। अचानक गुरु गुरु माना काल, जब काल आता है जैसे गुरु का भी ऑर्डर आता है ऐसे समझो, तो जब काल आएगा तो तुम किस किस से मोक्ष निकलने जाएगा, वो बुद्धि कल मर गई उधर बैठ के बैठे मर गई सब समझो, तो मोक्ष लाने तो नहीं बेटे बेटी से, तो जैसा काल है तैसे गुरु का ऑर्डर है, ये तुम क्या करेगा। जो निष्फोड़ है, जो पहले से ही काम उतार के बैठा है, पहले से ही लड़ा सकते होकर बैठा है, पहले से ही गर्म हुआ है, सबसे मोकलानी करके बैठा है, किसकी शक्ल देखने की जरूरत नहीं है, इच्छा ही नहीं है, भाई फलाने की शक्ल देख के पीछे जाऊं, फलाने से मोकलानी करके पीछे जाऊं, मोकला ही पड़ा है काला जाना, किससे मोकलानी करेगा, तो आज ही समझो तो मोकलानी करके बैठा ऐसा बैठा होगा तभी जन्म मरण का चक्कर तुम्हारा कटेगा। कोई भी फुरना है अगर भाई आज मैं नहीं जा सकता उसका रीजन बताओ, कोई भी फुरना है तो ये जन्म मरण, निष्फुर्ण होके बैठो, हल्का होके रहो दुनिया में, जैसा कोई काम ही नहीं है मेरे ऊपर, एक ही काम है भगवान पाने का, दूसरा कोई काम नहीं है, दूसरा काम भगवान खुद करेगा। प्रांजलि देखे राम जब पींदा तेन गया कम असर पानी पींदा, तुम राम जपने गए साथ बैठे आएगा, राम के साथ बैठे तो काम तुम्हारा आप ही नहीं होगा, इतना नुकसान पड़ेगा हमारे से बड़ा के लिए, पितरी राशि शूद्र शूद्र चार वर्ण है, अर्जुन मेरे से उत्पन्न हुआ है, उसके कर्म अनुसार उसके संस्कार अनुसार मैंने चार वर्ण उत्पन्न किया, ब्राह्मण को जो ब्राह्मण के घर में जन्म दिया, अभी उसका गुण कौन सा होना चाहिए, ब्राह्मण माना क्या, जो ब्रह्म को जाने और जनाए सेवन करे सर्व की कन्या भाव अंदर पैर की शुद्धि, ऐसा नहीं कि खाली पैसे के लिए आए ब्राह्मण, अगर तुम निरंजन पैसा लाओ माई आज सच्ची आज रोई आज ग्यारह आज बाहर से पैसा लाओ, तुम भी खाना पीना इतना बास्केट भर के देती हो ब्राह्मण को, भाई लेके जाओ तरी चाहो हमारे घर में नहीं लेके आती है उधर ब्राह्मण को देके आती है, ब्राह्मण सच्चा कौन है जो ब्रह्म को जाने और जाना है, तुम ब्राह्मण को अगर एक भी चीज देता है तो तुम पापी है बड़ा,